ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ। ਗੱਡੀ ਪਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਗ ਲੱਤਾਂ ਭਾਜੀ। आज अर्ली मॉर्निंग में पुलिस पार्टी को इन्फॉर्मेशन थी कि इस पर्टिकुलर रखम बटाली के रीजन से बोबाइन स्मगलर्स जो हैं वो यहाँ से मूवमेंट करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली मेरी पुलिस पार्टी जो रखम बटाली से थी उसने नाका लगाया और मीनवाइल इंटरसेप्ट किया इनकी मूवमेंट को। और इसी के दौरान जो बोबाइन स्मगलर्स थे उन्होंने पुलिस पार्टी पे हमला किया, और हमले में 3 से 4 जो मेरे हमारे सांबा पुलिस के ऑफिशियल्स हैं उनको जख्मी किया, जिसमें रखम टाली के इंचार्ज पीपी सब इंस्पेक्टर बलबीर सिंह शामिल हैं। और मीनवाइल पुलिस पार्टी ने दोबारा से रेड की और वहाँ मौके से एक बोबाइन स्मगलर को अरेस्ट किया, और उसी बोबाइन स्मगलिंग में जो गाड़ी का इस्तेमाल था हो रहा था उसको भी सीज कर लिया। अभी रेड्स और जारी हैं, हम और भी लोगों को पकड़ेंगे जिनके भी नाम इसमें शामिल हैं। जो सस्पेक्ट हमने पकड़ा हुआ है वो उनके नाम बता रहा है, हम उनकी शनाख्त कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, और शॉर्टली हम उन सब लोगों को अरेस्ट कर लेंगे। सर, कितना बड़ा चैलेंज लगता है कि लगातार सक्रिय हुए इस समय बोबाइन स्मगलर्स? ठीक है, चैलेंज तो है हमारे लिए, क्योंकि इन लोगों की मूवमेंट बड़ी सस्पिशियस रहती है। ये अर्ली वी आवर्स में मूवमेंट करते हैं और वो रूट सप्लाई करते हैं जिनमें आम जो नागरिक है वहाँ उसकी सर्विलेंस नहीं कर पाता, या पुलिस जो है उस एरिया की सर्विलेंस नहीं कर पाती। बट हमारी इंटेलिजेंस जो है वो हमें, हमारे जो लड़के सिविल्स में या हमारे सीनियर ऑफिसर्स से जो डायरेक्शंस आती हैं पर्टिकुलर एरिया की, जो हमें इंटेलिजेंस आती है, हम उस एरिया में नाकाबंदी करते हैं और उस एरिया की हम खबर रखते हैं। और जैसे ही हमें एक फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन आती है, हमारी पुलिस पार्टी जो है नाकाबंदी करके रेड करके जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं हम उनको अरेस्ट कर लेते हैं। जल्दी ही इनकी धरपकड़ हो जाएगी जो हमला कर रहे हैं? बिल्कुल हो जाएगी, हमने आइडेंटिफाई कर लिए 12-13 के करीब जो सस्पेक्ट इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने स्टोन पेल्टिंग की है, हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है, उनके एड्रेस को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, और हमारी टीम्स ऑलरेडी निकल चुकी हैं और वेरी शॉर्टली हम उनको भी अरेस्ट कर लेंगे।